बाढ़ में तबाही का मंजर देखना हो तो आइए जल्ला क्षेत्र में। दीदारगंज, फतुहा, खुसरूपुर समेत दर्जनों क्षेत्र में गंगा का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ आ गई है। हजारों एकड़ फसल सब्जी भी बर्बाद हो गए। कई रास्ते का संपर्क टूट गया, बिजली भी गायब हो गए। बाढ़ से सैकड़ों घर एवं उसमें रखे कीमती सामान सभी खत्म हो गए। मवेशी पानी में रहने को मजबूर है। मानो हर जगह तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। घरों में पानी आ जाने से लोग दहशत भरी जिंदगी जी रहे। सांप, बिच्छू एवं जंगली जानवरों का खौफ हर लोगों के दिल में बसा है। न सो पाते हैं और न ही खा पाते। प्रशासन की ओर से भी कोई खास मदद नहीं मिल पा रही। ईटीवी भारत की टीम एसडीओ मुकेश रंजन से बाढ़ ग्रसित इलाके के बारे में पूछा तो बताया कि प्रशासन हर जगह मुस्तैद है और राहत कार सेवा चालू है। जैसा कि जो बारिश लगातार हुई थी और मुख्य रूप से गंगावा, फतुहा, खुसरूपुर वाले क्षेत्र में जो हमारी झारखंड से नदियां आती है और फल्गू नदी के जो ब्रांचेज नदी है, महात्मा, करहुआ, रुकनी, इन सभी नदियों में अचानक से जलस्तर बढ़ जाने के कारण कई जगह पर छोटे छोटे बांध बन जाने के कारण पानी जो है गाँव ये क्षेत्र में और सभी फसल क्षेत्र जो क्षेत्र थे उनमें आ गया था। कई जगह को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रवेश किया था, जिसकी जाँच स्थानीय कर्मचारियों, राजस्व कर्मचारियों और अंचल के माध्यम से कराया जा रहा है। हम लोग भी कई जगह पर घूमे हैं जहाँ जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हुई थी वहाँ पर, और उसको तुरंत रिस्टोर कराने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ कहीं अगर कनेक्टिविटी रोड का या आने जाने का टूट रहा होगा तो उसकी भी सूची बनाई जा रही है और उसको लेकर के भी अविलंब रिस्टोरेशन का काम कराया जा रहा है। इसके अलावा जो आकलन कराया जा रहा है कि किस तरह का जो आपदा का जो प्रावधान है हमारा आपदा राहत के तहत, वैसे प्रभावित परिवारों को और वैसे प्रभावित गाँवों को उसको समझना आवश्यक है। इन चीज़ों को देखा जा रहा है, जो प्रभावित परिवार है उनसे लगातार संपर्क में है। सभी जो हमारे प्रशासन की टीम है वो लगातार क्षेत्र में भी घूम रहे हैं और जो हम लोग को जहाँ जहाँ जैसे सूचना प्राप्त हुई थी मवेशी और इनको लेकर के पॉलिथीन सीट्स का वितरण किया गया है, उसको गंगा क्षेत्र में किया गया फतुहा में भी, और उसको देखा जा रहा है। अगर जैसे जैसे हम लोग को ये मिलता चला जाएगा उस तरीके से हम लोग जो भी प्रावधान है आपका विभाग की ओर से उसके नॉर्म्स के तहत हम लोग सारी कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक फसल क्षेत्र की बात है उसको लेकर के कृषि विभाग जब पानी इसका आकलन करें।